टू रुपीज होने वाला है या हंड्रेड रुपीज का वैल्यू एट्टी या ट्वेंटी रुपीज होने वाला है तो ये जो एडजस्टमेंट आते हैं पेपर में इसमें किस तरीके से आपको ध्यान रखना है ताकि आपका ये जो एडजस्टमेंट है वो सही हो जाए जरल एंट्री सही हो जाए और आपको इसमें ये एंट्री से रिलेटेड फुल मार्क्स मिले तो ये जो टाइप आता है पेपर में वो दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं एक होता है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट और सेकंड टाइप का एडजस्टमेंट होता है फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज जब फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज होगा या फेस वैल्यू रिमेन सेम होगा या फेस वैल्यू रिमेन्स हंड्रेड या टेन जैसे हमारा फेस वैल्यू रहेगा वैसे दिया रहेगा तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे दीज आर जस्ट द शॉर्ट्स शॉर्ट ताकि आपको लास्ट मोमेंट में सारी चीजें रिवाइज हो और ये सिली मिस्टेक जो हमारे पेपर में होते हैं वो नहीं हो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको एक लास्ट मोमेंट में मिनट मिनट से आपका एडजस्टमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करता हूं और उसमें आपको बताता हूं इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो किस तरीके से हमको ध्यान रखना है जरल एंट्री करना है और कैसे जरल एंट्री चेंज होता है तो लेट अस सी द पॉइंट तो सबसे पहले अगर हम बात करें देखो हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे जैसे कि हमारे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू दिया है टेन रुपीज और हमको वैल्यू दिया है वन लाख एक सिंपल एग्जांपल लेंगे ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आए सो इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू टेन रूपीज दिया है एंड अमाउंट कितना दिया है वन लाख दिया है तो सबसे पहले पॉइंट आपको क्या करना है वन लाख को हमारे फेस वैल्यू से डिवाइड करना है अगर हम वन लाख को फेस वैल्यू टेन से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने शेयर आएंगे टेन थाउजेंड शेयर्स आएंगे ठीक है ये शेयर इंपॉर्टेंट है आप इसको डायरेक्टली अपने माइंड में भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं अब हमें इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है तो यूजुअली एडजस्टमेंट्स कैसे होता है एडजस्टमेंट्स होता है इक्विटी शेयर्स आर रेड्यूस क्या होता है एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर्स आर रेड्यूस फ्रॉम रूपीज टेन टू रूपीस टू ऐसे एक एडजस्टमेंट होगा या फिर डायरेक्टली दिया जाएगा इक्विटी शेयर टू रुपीज टू तो यूजली क्या होता है टेन टू टू दिया जाता है या इक्विटी शेयर आर रेड्यूस टू टू दिया जाता है देखो काफी सिंपल कंसेप्ट है आपको क्या ध्यान रखना है आपका फेस वैल्यू कितना था आपका फेस वैल्यू दस था अगर दस रुपए का वैल्यू यहाँ पे टू है दस रुपए का वैल्यू अगर दो रुपया बनेगा टेन रुपीज का वैल्यू अगर दो रुपया बनेगा तो आपका डिफरेंस कितना है एट जो भी आपका डिफरेंस होता है वही हम कैपिटल रिडक्शन में भेज देंगे अब बेसिकली गलती किधर होती है टेन रुपीज का वैल्यू यहाँ पे बोला है टू टू है अगर हम यहाँ पे एक दूसरा एडजस्टमेंट डालते टेन रुपीज का वैल्यू बाय टू कम हुआ तो बाय टू कम हुआ का मतलब टेन का वैल्यू दो रुपए से कम हुआ है बाय और टू काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज यही आपको सिली मिस्टेक करवा देंगे और सिली मिस्टेक हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा हमने क्या गलत किया है दैट इज द पॉइंट तो अगर हमारे क्वेश्चन में एक सिंपल एडजस्टमेंट है कि इक्विटी शेयर टू रुपीस टू इच तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट काफी सिंपल है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपको क्या याद रखना है जो डेबिट करना है वही क्रेडिट करना है और आएगा फिर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ताकि आपको मेन तो कंसेप्ट समझ में आ जाए देखो ये एंट्री करने के बाद ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम अभी अमाउंट कैसे लिखे बिकॉज सम पीपल आर फाइंडिंग टू राइट दी अमाउंट वेर टू राइट दी अमाउंट एंड दे आर फाइंडिंग दिस कंसेप्ट डिफिकल्ट एंट्री तो क्या है देखो एंट्री तो बहुत लोग बाहर कर लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अब आपको एक सिंपल तरीका बताता बता थो. देखो सबसे पहले स्टेप क्या करना है सबसे पहले आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो रहेगा उसके लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट रहेगा उसको हम कॉपी कर लेंगे डेबिट साइड पहले डेबिट साइड में कॉपी कर लेना है फिर आप कभी गलत नहीं होंगे वरना आप उल्टा सुल्टा अमाउंट लिखेंगे फिर गलत हो जाएंगे हम क्या करेंगे डेबिट साइड में पहले वन लाख को कॉपी कर लेंगे अभी हमने देखो यहाँ पेयर कैलकुलेट करके रखा है हाउ मच इज द नंबर नंबर ऑफ ऑफ है आपको अभी ये जो इक्वेशन हमने किया है दस रुपए का वैल्यू दो रुपया बना ठीक है तो दो रुपया बना है एट रुपीज कहां जाएगा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा देखो कैसे करना है अभी टेन थाउजेंड हमारे नंबर ऑफ शेयर थे टू रुपीज बन गए तो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टू ठीक है. तो right? uh, तो तो है, ,00 है? है बहुत ही सिंपल है टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू करेंगे तो कितना ट्वेंटी और कैपिटल रिडक्शन में कितना एटी थाउजेंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वरना आप वन लाख में से ट्वेंटी थाउजेंड को क्या कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है यही टाइप का एडजस्टमेंट आपको प्रेफरेंस आया तो प्रेफरेंस करना है स में सिर्फ क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है इक्विटी में क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है अभी मैं एक दूसरा एडजस्टमेंट बताता हूं जो इसी चैप्टर में आता है और हम जाते हैं है और हम यही एंट्री करके आते हैं देखो यही एडजस्टमेंट है सेम एडजस्टमेंट है और सेम एडजस्टमेंट में आपको एक एडजस्टमेंट में पॉइंट आया कि इक्विटी शेयर आर रेड्यूस फ्रॉम रूपीज टेन टू रूपीज टू और आगे बोला है फेस वैल्यू रिमेन्स सेम ठीक है पेपर में कभी कभी आता है फेस वैल्यू रिमेन सेम फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज फेस वैल्यू रिमेन्स टेन या फेस वैल्यू रिमेन्स हंड्रेड कुछ भी दे सकते हैं तो अगर ये कंसेप्ट आया ना फेस वैल्यू रिमेन सेम या फेस वैल्यू रिमेन हंड्रेड तो हमको यही जर्रल एंट्री जो अभी हमने की है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपकी एंट्री बनेगी उस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है डेबिट में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा सिर्फ कैपिटल रिडक्शन आएगा अभी आप कहेंगे इसमें फिर अमाउंट कौन सा लिखेंगे हम बहुत ही सिंपल अमाउंट आपको कैपिटल रिडक्शन का लिखना है कैपिटल रिडक्शन का कितना रेट था एट है तो टेन थाउजेंड इंटू एट हम अस्सी हजार ही अमाउंट लिखेंगे

शॉर्ट्स में हमने डिस्कस किया है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडक्शन सिर्फ नाम प्रेफरेंस आया तो प्रेफरेंस लिखना है नॉर्मल कंसेप्ट में इक्विटी डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट टू सीआर और अगर आपके पास एडजस्टमेंट आता है फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज या सेम तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सी हम करेंगे ठीक है दैट्स इट आई होप की दिस इज क्लियर टू एवरी अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए शॉर्टकट्स के साथ थैंक यू बाय बाय टेक केयर